press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कि इसमें क्या क्राइटेरिया चाहिए एडमिशन के लिए, कैसे हम एडमिशन करा सकते हैं, क्या फीस है और पूरी जानकारी इसके बारे में हम देंगे आपको। देखते रहिए हमारे वीडियो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इसी टाइप के हम वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाम की बात कर लेते हैं। नाम है पूरा अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं AKGEC कॉलेज। बहुत लोग अजय कुमार ही कहते हैं इसको, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इस कॉलेज का नाम। और एडमिशन हम किस बेसिस पे ले सकते हैं, तो एंट्रेंस होता है UPSC का और JEE मेन का, इस बेसिस पे हम इसका एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं हम, BTEC कर सकते हैं JEE मेन से और UPSC से, MTEC कर सकते हैं हम GATE और UPSC से। और एग्ज़ाम देने का पैटर्न क्या होता है, वो ऑनलाइन होता है और प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस में आता है। अब हम BTEC की ड्यूरेशन की बात कर लें कि BTEC कितने साल का होता है, तो BTEC 4 साल का होता है और फुल टाइम का कोर्स होता है। फुल टाइम मतलब सुबह 9 बजे से क्लास रहेगी शाम के 5 बजे तक, ये पार्ट टाइम क्लास या वीकेंड वाला क्लास नहीं रहता, ठीक है। और ये BTEC में स्पेशलाइजेशन करवाते हैं, आई थिंक बहुत सारी ऐसी ब्रांच होती है जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो, तो ये सब ब्रांचेज होती हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो आपको 12th पास होना चाहिए इन PCM विद 75%, 60% या फिर 50%, 50% या 65%, मतलब हर कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो उसी बेसिस पे वो अपना चूज़ करते हैं कि हमें कितने परसेंट पे एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन आपको PCM में ज़रूर पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। और वही बात है कि एडमिशन किस क्राइटेरिया पर होता है, तो एंट्रेंस बेस होता है और डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में थोड़ा कुछ और मामला है, उसमें मैनेजमेंट कोटे से होता है और एंट्रेंस बेस पे आप एग्ज़ाम देते हो फौरन, उसके बाद आप डायरेक्ट आके काउंसलिंग से इसमें एडमिशन ले सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप एंट्रेंस बेस पे आओगे तो। और वैसे मैनेजमेंट कोटे से थोड़ी मोड़ी दिक्कत होती है। आप किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी स्टूडेंट के लिए या उसके फैमिली के लिए, वो होती है फ़ीस। फ़ीस कितनी होती है मैं बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और CSIT जितनी भी कोर्सेज होते हैं, मैं एक का बस लिया हूँ, और जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितनी भी ब्रांचेज होती हैं BTEC की, सब में 1,18,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस है। तो आप इसको 4 से काउंट कर लीजिए, आप 4 साल पढ़ेंगे तो 4 ऐसे जो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो टोटल फ़ीस आपकी 4 साल में उतनी लगेगी। अब हॉस्टल फ़ीस की बात कर लेते हैं कि बॉयज़ के लिए हॉस्टल फ़ीस कितनी है। तो बॉयज़ के लिए 1,01,000 रुपये से लेके 1,02,000 रुपये तक इसकी हॉस्टल की फ़ीस होती है, और जिसमें कि सिंगल सीटर, डबल सीटर और सिक्योरिटी मनी सब अलग अलग चीज़ें इसमें आपको अलग अलग करके मैंने दिया है, आप देख लीजिएगा कितना कितना लगता है। और इसमें अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप PG में रह सकते हो पेन गेस्ट के तरीके से किसी भी फैमिली के साथ या किसी भी मकान में। और इसके बाद होता है आप फ्लैट ले सकते हो दोस्तों के साथ या फिर आप हॉस्टल ले सकते हो, तो ये तीनों ऑप्शन होता है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी सही लगे आप वो ले सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज का ही हॉस्टल लो, क्योंकि कॉलेज के हॉस्टल में थोड़े खाने वाने की दिक्कत होती है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे प्रीफर करते हैं कि हम बाहर रहें या फिर दोस्तों के साथ रहें ताकि खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। और जो गर्ल्स हॉस्टल फ़ीस होती है वो भी बिल्कुल सेम होती है, बस 1,01,000 वाली फ़ीस में 1,000 कम हो जाता है। बाकी सिंगल सीटर, डबल सीटर और ट्रिपल सीटर में आप देख लीजिएगा, सिंगल सीटर में 1,20,000 लगता है, डबल सीटर में आपको 1,10,000 लगता है और सिंगल सीटर में आपको 1,00,000 लगता है पूरा। और जो रिफंडेबल 10,000 है ये मतलब आपको जमा करनी पड़ती है एज ए सिक्योरिटी, उसके बाद जब हॉस्टल आप छोड़ते हो तो आपको ये 10,000 वापस कर दी जाती है।
अब हम ये देख लेते हैं कि कुमार गर्ग में कौन से कोर्सेज़ होते हैं और कौन से कोर्सेज़ की कितनी सीट है। कंप्यूटर साइंस की अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो इसमें 180 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की जो सीट होती है वो 180 है, और मैकेनिकल की जो सीट होती है वो भी 180 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी सीट होती है वो भी 180 है, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जो सीटें होती हैं वो 120 है, सिविल की 120 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप इसको सेम समझिएगा। तो इसमें 60 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 60 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीटें हैं। तो ये जो होते हैं ये सब सीटें के बेस पे आप एडमिशन करा सकते हो कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसमें अपना एडमिशन करा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि कंप्यूटर साइंस और आईटी में बस दो सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। और इलेक्ट्रॉनिक का मोस्टली 55% या 75% जो कोर्सेज होता है वो भी CSIC देता है, बिल्कुल सब कुछ सब्जेक्ट सेम होता है। तो अब कोई ऐसे कॉलेज में आप काउंसलिंग करा रहे हो जहाँ आपको आपको CSIT नहीं मिलता, तो आप ये मत कर दीजिएगा कि सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ले लें, तो आप लास्ट ऑप्शन आपके पास, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स CSIT इस समय थोड़ा ठीक चल रहा है, और बाकी तीन को थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, और जो भी हमारा हेल्प बनेगा हम आपको बिल्कुल करेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होते रहें और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, गुड बाय।